गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज है वीकेंड, वीकेंड की शुरुआत करने वाले हैं परांठे बनाने से, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे घर के काम करने हैं। सो ये बहुत ही प्रोडक्टिव दिन होने वाला है आज, पर उससे पहले शुरू करेंगे परांठे से ताकि पति खुश हो जाए। सो मूली के परांठे बनाने वाले हैं। सो मूली को सबसे पहले करेंगे कद्दूकस, ग्रेट। उसके बाद हम इसमें नमक लगा के इसको छोड़ देंगे ताकि ये पानी छोड़ दे। यहाँ की जो मूली है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ही पानी होता है। एक बार की आपको स्टोरी बताती हूँ गाइस, मैंने सुना था कि मूली का पानी आपके लिए बहुत अच्छा होता है, तो इतना पानी निकला और मुझे लगा कि इन्हों क्यों सूटना। मैंने ना पी लिया पूरा ग्लास भर के, एंड मेरे दिल नू ऐसे हुआ कि मुझे हार्ट अटैक होने वाला है। मेरे दिल में जलन, पेन, पता नहीं क्या क्या होना शुरू हो गया। इतना ज़्यादा दुखी हो गई मैं, 5 मिनट के अंदर जल गया मेरा सारा कुछ। तो फिर जब तक उल्टी नहीं की मैंने तब तक सही नहीं हुआ। सो मूली का अगर पानी पीना है तो 2-4 चमचे पिए, ग्लास भर के मेरी तरह मत पिए बचाने के चक्कर में। सो मूली तैयार हो रही है, तब तक आटा गूंद लेते हैं। आटा गूंदने के बाद हम मूली के परांठे की तैयारी करेंगे। मुझे लगता है कि मूली के परांठे की रेसिपी से मॉर्क एंड कुक पे है, अगर आप देखना चाहें तो। सो पानी निकालने से पहले हम क्या करेंगे, ग्रीन चिली डालेंगे हमारे मूली के परांठे में, अदरक डालेंगे, एंड ऑल्सो धनिया, बहुत सारा धनिया। एंड अनियन मैं इसमें नहीं ऐड करूँगी, उसको मैं साइड में अलग से काट लेती हूँ ताकि फिर मेरे परांठे में मिक्स ना हो, क्योंकि मुझे अनियन नहीं अच्छा लगता। वंस ये सारा मसाला तैयार हो गया है, हम लोग क्या करेंगे कि इसमें सीजनिंग ऐड कर लेंगे। मैं इसमें अजवाइन भी ऐड करती हूँ, थोड़ा सा जीरा भी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर एंड लाल मिर्ची एंड सॉल्ट देख लें, क्योंकि हमने पहले ऐड किया था ना पानी निकलने के लिए। सो मूली में सॉल्ट होगा, सो उसके हिसाब से दोबारा से अगर ऐड करना है तो करें, पर ज़्यादा अगर हो जाएगा सॉल्ट तो बहुत बुरा लगेगा। How to hide and seek? Well, I'm giving you more time in the evening. तो मसाला तैयार है, जल्दी से पराठे बना लेंगे। हिम्मत तो मूली का पराठा नहीं खाता है, तो उसके लिए मैं एग एंड पराठा बनाने वाली हूँ। उसके बाद प्यारे पति को सर्व करेंगे एंड मैं भी खा लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने हैं तो काफ़ी एनर्जी जाती चाहिए। सो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। एंड मैं मूली के परांठे बहुत पतले बनाती हूँ,
एंड हस्बैंड ने खा लिया है, मैंने खा लिया है, अब हम क्लीनिंग का काम शुरू करते हैं। आज मैं ना डीप करने वाली हूँ बाथरूमों को क्लीन एंड लॉन्ड्री। हमारी दोनों की सारी बेडिंग होगी वॉश, हिम्मत की और हमारी, लाइक जो रजाई का कवर है, बेडशीट्स, पिलो कवर्स, सब कुछ, जितना कुछ भी है सारा कुछ वॉश करेंगे एंड दिन ख़त्म होते होते हम उसको दोबारा से चढ़ा भी देंगे। ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल किस्म का काम होता है, उतारना आसान है पर कवर चढ़ाना बहुत मुश्किल है अकेले बंदे का। और मेरे साथ हमेशा होता है कि मैं ना एक बार तो मेरा गला चढ़ता ही हो, उसके बाद दूसरी बार ही सही होगा। सो या सारे कपड़े हो गए हैं, अब इसको लॉन्ड्री में डाल देते हैं। वंस ये साइकिल शुरू हो जाएगा हम वॉशरूम को क्लीन करना शुरू कर देंगे। जो हमारे फ्लोर का मेन वॉशरूम है ना कॉमन, मैं उसी वॉशरूम को यूज़ करती हूँ। हस्बैंड इस बड़े मास्टर वॉशरूम को यूज़ करते हैं ज़्यादातर एंड वो बहुत गंद मचाते हैं ये सिंक के एरिया के अराउंड, तो उसे अच्छी तरह डीप क्लीन कर देंगे, चमका देंगे, ग्लासेस को भी क्लीन करेंगे। ये वाला वॉशरूम मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, नहाने के लिए मैं मास्टर वॉशरूम ही यूज़ करती हूँ, बट मेरे स्किन केयर के लिए बाकी आलतू फालतू सारे काम मैं इसी वॉशरूम में करती हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं रात को लेट सोने के लिए जाती हूँ, बहुत रेयर होता है, आजकल वैसे अर्लियर होता था, तो फिर हिम्मत एंड हस्बैंड अगर सो गए होंगे तो मैं वॉशरूम में खड़का दड़का नहीं करना चाहती, इसलिए मैं दूर वाले वॉशरूम में अपना स्किन केयर करा करती थी। इसी से मुझे आदत पड़ गई है ये दूसरा वॉशरूम यूज़ करने की। और वैसे भी मास्टर वॉशरूम ज़्यादातर क्लीन रहता है, ये पिद्दी वॉशरूम को क्लीन करना भी आसान है। सो ये मोस्टली क्लीन ही रहता है क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ ना, मैं बहुत प्यारी एंड क्लीन बंदी हूँ। एंड अभी इसको चमका देंगे, क्लीन कर देंगे। एंड उसके बाद मैं ना ये लॉन्ड्री क्लॉजेट एंड वॉशरूम में वैक्यूम कर दूँगी, क्योंकि बाल वाल गिर जाते हैं, डस्ट वस्ट हो जाती है। एक बार वैक्यूम हो जाएगा तो उसके बाद मैं अच्छा मज़ेदार पोछा लगा दूँगी, तो ये टाइल्स इतना चमकना शुरू हो जाएंगी ना, तो मेरा दिल खुश हो जाएगा।
सो मैंने मॉप किया था, उसकी वीडियो नहीं बनाई। अब कपड़े हो चुके हैं ड्राई, अभी थोड़ा यहीं पे फोल्ड कर देंगे, क्लोजेट में रख देंगे एंड देन हम हमारी बेडिंग करेंगे। ये बहुत मुश्किल काम होने वाला है। एंड हस्बैंड एंड हिम्मत पार्क में चले गए थे तो उनकी मदद भी नहीं ले पाई मैं। एंड येस, इस बार भी वैसे ही हुआ, मुझे दो बार रजाई का कवर चढ़ाना पड़ा, तब भी जाके सही तरह चढ़ा, क्योंकि एक पास से वड्डा होता, एक पास से छोटा होता, बहुत परेशान हो गई थी मैं। सो फाइनली हो गया। एदी नाल इन्नी फाइट करनी पड़ी ना मुझे रजाई का कवर चढ़ाने में, तो थक गई मैं, एक मिनट का आराम लेने पर। फिर एक और साइकिल है, इसको भी ड्रायर में डाल देते हैं। लॉन्ड्री का काम ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। इतना ज़्यादा थक गई थी, मेरा ना डिनर बनाने के लिए बिल्कुल मन नहीं था, पर फिर भी मैंने ना ये ग्रीन छोलिया का पुलाव बनाया, ये बहुत अच्छा बनता है। इसके लिए मैंने वीडियो शूट की थी, अभी तक अपलोड नहीं की है, कोशिश करूँगी कर दूँ। अगर आप ये पुलाव खाना शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। खूब सारा इसके साथ सैलड बनाया है, हस्बैंड नखरे कर रहे हैं कि सालन नहीं है, सालन नहीं है। अरे मेरे पास हिम्मत ही नहीं थी पुलाव में, तो 12 बजे के काम कर करके। Husband's eating a khoobsurat salad. Khoobsurat. Aaj thunthe je salad de ta koi hai nahi, dekho badhiya. सो या इसी तरह हमारा ये प्यारा प्रोडक्टिव दिन होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, कमेंट बार में अपने प्यारे प्यारे कमेंट छोड़ें। मैं जल्दी मिलती हूँ आपको। आई लव यू गाइस सो वेरी मच। बाय बाय। आज ये तो फेक डांस है ना तो दा। नहीं तू सालन बनाउंदी ना। सालन ना बालन दे है नहीं सालन के तो। हां। बहुत सालन गी ना। हां। सालन सालन ओ सालन नो उस करी जी सालन सब्जी हुंदी या।